तो दोस्तों यहाँ पे गूगल ने अपना पिक्सल 6a जो आपका गूगल पिक्सल 6a फोन था जो बहुत बहुप्रतीक्षित था वो फोन लॉन्च कर दिया। उसके बारे में पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि गूगल ने अपने यहाँ पर गूगल पिक्सल 6a फोन को लॉन्च कर दिया है अपने गूगल IO 2022 इवेंट में। तो इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी क्या कीमत होने वाली है, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं जब आपके लिए अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं गूगल पिक्सल 6a के अंदर क्या कुछ खास है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे गूगल पिक्सल 6a के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में क्या क्या इसकी फीचर्स हैं और इसकी कीमत क्या है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज की। तो यहाँ पे आपको जो कंपनी दावा कर रही है स्क्रीन आपको जो देखने को मिल रही है वो है 6.1 इंचेस की और ये स्क्रीन आपकी जो रहेगी वो रहेगी फुल HD OLED स्क्रीन। तो अच्छी स्क्रीन आपको देखने को मिली रही है। साथ ही साथ अगर इसके रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो इसमें आपको 2340x1080 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि स्क्रीन फुल HD है तो ये रेजोल्यूशन आपको इतना तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे स्क्रीन की रिफ्रेश रेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट इसका जो है 60Hz तक का है। तो यहाँ पर जो है रिफ्रेश रेट भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की कॉर्निंग आपको देखने को मिल जाती है जो कि आपकी स्क्रीन को काफी मजबूत बनाती है, टूट फूट से काफी हद तक बचा लेती है। अगर हैंडसेट में बैटरी की बात की जाए तो बैटरी कैपेसिटी इसकी कितनी रहेगी तो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो कंपनी कह रही है, कंपनी आपको यहाँ पे 4306mAh की बैटरी ऑफर कर रही है और साथ ही साथ कंपनी एक दावा कर रही है कि इस मोबाइल के अंदर एक फीचर है एक्सट्रीम बैटरी सेवर। अगर उस एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड को आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पर ये 72 आवर्स तक आपकी बैटरी एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब 72 घंटे तक आपकी बैटरी यहाँ पर चलती है अगर आप उस मोड को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोड को। तो यहाँ पर अगर बात करें कि स्टोरेज क्या है इस फोन के अंदर जो आपको कंपनी ऑफर कर रही है तो इसके अंदर आपको 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के लिए जो आपको यहाँ पर रियर कैमरे दिए गए हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें आपका जो मेन कैमरा आपको 12.2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी यहाँ पर साथ ही साथ दिया गया है। अगर बात करें कि सेल्फी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको चिपसेट वगैरह कैसा देखने को मिलता है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गूगल के इस स्मार्टफोन के अंदर आपको गूगल टेंसर चिप देखने को मिल जाएगी। यह पिक्सल 5a से कई गुना ज्यादा फास्टर है, यहाँ पर ये दावा कर रही है गूगल कंपनी अपने इस फोन के बारे में। साथ ही इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और उसके साथ ही यहाँ पर जो है कंपनी ने कहा है कि इसमें आपको जो है 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट और 3 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट आपको कंपनी देती रहेगी। यानी कि जो भी यहाँ पर नए अपडेट आएंगे 3 साल तक वो आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से मिलते रहेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एंड्रॉयड के जो अपडेट आपको मिल रहे हैं उसमें आपको 5 साल तक का सिक्योरिटी पैच भी आपको कंपनी देती रहेगी। यानी कि फोन आपका फुल्ली यहाँ सिक्योर रहेगा, इजिली हैक वगैरह नहीं हो सकता है। और भी इसमें बहुत सारे इस तरीके के फीचर देखने को आपको मिल जाएंगे। इसमें लाइव ट्रांसलेट जैसे फीचर भी आपको अवेलेबल करवाए हैं कंपनी ने। अगर बात करें इस फोन की कीमत की इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो ये करीब आपको जो है 38,614 रुपीज का यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि आपको 38,614 रुपए में ये आपको इंडियन करेंसी में मिल जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर ये 21 जुलाई से इसकी ऑर्डर भी कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और अगर बात करें तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कब अवेलेबल होगा तो ये आपको 28 जुलाई से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। इसे कंपनी यहाँ पर 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च करेगी और उसके साथ ही यहाँ पर कंपनी ने पिक्सल 7a और पिक्सल 7 प्रो का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये दोनों फोन अगर बात करें तो ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 के ऊपर वर्क करते हुए आपको मिलेंगे। ये नई डिजाइन के साथ आएंगे और जल्द ही ये भी आपको जो है यहाँ मार्केट में खरीदने के लिए इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था और ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेकर आया गूगल पिक्सल 6a के बारे में। अगर ये फोन आपको पसंद आता है, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको पसंद आए हैं तो 21 जुलाई से इसका प्री ऑर्डर शुरू हो जाएगा, आप इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक लीजिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।